हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग डेली सुबह जो है इतने ही समय जितने भी न्यूज़पेपर में एजुकेशन संबंधित जितनी भी न्यूज़ होती है उन सभी को हम एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग देर नहीं करेंगे, सारी न्यूज़ को एक एक करके हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, और एक बात तो बिल्कुल गारंटी होती है कि अगर इस सेशन को आपने देख लिया मॉर्निंग वाले तो आपको कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर नहीं देखना, चाहे दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी न्यूज़पेपर आपको नहीं देखना है। जितने जितनी भी न्यूज रहते हैं आपसे संबंधित या आपके लिए काम की जितनी भी न्यूज होती है वो सारी न्यूज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी सारी अपडेट पता चले। तो हम देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो पहली न्यूज है, और ये बहुत मतलब सारी न्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे, बस आप दो थोड़ी देर सब्र करिए, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, बस एक एक करके डिस्कस करते हैं। अफसरों के रिश्तेदारों का भर्ती बोर्ड बन गया था सेवा मंडल। यानी कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी में चाहे जितनी साफ सुथरी किसी भर्ती का दावा किया जाए, कोई भर्ती साफ सुथरी हो नहीं पाती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर लिखें अगर हम तो इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आपको अगर पढ़ना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें यहाँ पर आप देखिए लिखा गया है कि भर्ती किए जाने वालों की सूची पहले ही बन जाती थी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें, जैसा कि आपको ये सारी चीज़ें पता भी हैं कि हर भर्ती में ये सारी चीज़ें होती हैं, लिखा है यहाँ पर कि भर्ती के लिए सेवा मंडल का गठन वर्ष 1975-76 में किया गया था। पहले चेयरमैन डोरी लाल वर्मा ने निहायत ईमानदारी से भर्तियाँ की थी, उनके बाद सेवा मंडल में रहे पदाधिकारी हमेशा भर्तियों को लेकर विवादों में आते रहे। राजनीतिक सरपस्ती के कारण हर बार सेवा मंडल के पदाधिकारी और विभागीय अधिकारी बच निकलते थे। सेवा मंडल की परीक्षाओं में किसे पास होना है कि यह सूची पहले बन जाती थी, यानी कि किस किस को पास करना है वो लिस्ट पहले बन जाती थी। तुम्हारे अंदर जो भी योग्यता हो तुम योग्यता लेकर घूमो, अपनी लिस्ट पहले बन जाती थी। और यही सारी चीजें हो भी रही हैं, अगर ढंग से अभी जांच हुआ जाए तो यही होती है। अगर यहां पर लिखें तो ये जो संस्था की बात है, मैं यहां पर थोड़ा सा पढ़ता हूं इसको। लिखा है सहकारिता की संस्थाओं में भर्ती के लिए बने उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल की छवि राज्य में बड़े नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के बेटे बेटियों नाते रिश्तेदारों और करीबियों के रिक्रूटमेंट बोर्ड के रूप में बनी हुई थी। पिछले करीब 3 दशक से इस संस्था द्वारा की गई हर भर्तियों पर सवाल उठे, तत्कालीन सरकारों ने हर बार इस मामले को दबाने का काम किया। यानी कि जो भी सरकार होती थी वो जो भर्तियों में जो धांधली होती उसको दबाने का ही काम किया, कभी उसको निकालने का काम नहीं किया है। ये सारी जो है अपडेट आज के ही न्यूज़पेपर में आई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको पूरा इसको पढ़ना है, क्या है मामला, क्या चीज़ें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो टीजीटी पीजीटी संबंधित न्यूज़ है आज की न्यूज़पेपर में। देखो जितनी भी न्यूज़पेपर कटिंग आपको यहाँ पर दिखेगी वो सारी की सारी आज की न्यूज़पेपर है, ठीक है। कोई अमर उजाला में है तो कोई हिंदुस्तान में है। लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड ने टीजीटी के 15 एवं प्रवक्ता के 23 विषयों की प्रतीक्षा सूची जो है वो जारी की है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने बीते 6 महीनों के दौरान घोषित 2016 टीजीटी के 15 और प्रवक्ता के 23 के विषयों की प्रतीक्षा सूची भी सोमवार को जारी कर दिया। उप सचिव नवल किशोर ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि यदि कोई चयनित अभ्यर्थी किसी कारण से कार्यभार ग्रहण नहीं करता तो प्रतीक्षा सूची से विषय एवं आरक्षण श्रेणी के अनुसार दूसरे अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराया जाए। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जो वेटिंग लिस्ट में थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। फाइनली वो नंबर आ चुका है कि टीजीटी के 15 और जो है प्रवक्ता के 23 विषयों की जो प्रतीक्षा सूची है वो जारी कर दी गई है। तो बहुत सारे बच्चे जो 2016 से वेट कर रहे थे, हो सकता है कि 2021 उनके लिए लकी साबित हो जाए, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद में अगली जो न्यूज आती है वो पीसीएस को लेकर है। इसमें लिखा कि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि पीसीएस 2018 से परीक्षा का पैटर्न बदले जाने के कारण प्रभावित हुए उन प्रतियोगी छात्रों को पीसीएस परीक्षा में शामिल के लिए 2 अतिरिक्त अवसर दिए जाएं जो ओवर एज हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे अभ्यर्थियों को पीसीएस 2021 और 22 में अतिरिक्त अवसर देने की मांग की है। पत्र में कई ऐसे उदाहरण भी दिए हैं जब संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में बदलाव के कारण अतिरिक्त अवसर दिए हैं। यानी इन्होंने बताया है कि जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं उनको अतिरिक्त अवसर 2 साल का दिया जाए ताकि जो आगामी 2021 और 22 में जो पीसीएस की परीक्षा होनी है उसमें वो बच्चे भाग कर सके। और इसके लिए उन्होंने, यानी एमएलसी जो देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी मांग की है। बाकी पूरा न्यूज़ पढ़ने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अच्छे से इनको पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।
अगली न्यूज जो है कि परीक्षा रद्द करने के लिए छात्रों का मुख्य न्यायाधीश को पत्र। अच्छा, सबसे पहले तो हमको ये लोग बता दीजिए कि कितने लोगों को ये मॉर्निंग वाला सेशन जो होता है, न्यूज़पेपर वाला जो सेशन होता है, कितने लोगों को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से पता लग मतलब मजा आता है, तो नीचे लिख दीजिए सर मुझे बड़ा मजा आता है इस न्यूज़ को देखने के लिए, या मैं वेट करता हूँ इस न्यूज़ के लिए। प्लीज़ आप इतना जरूर लिखें ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और सुबह जल्दी उठकर आपके लिए सारी न्यूज़ ढूंढूँ, क्योंकि ये मामूली काम नहीं कि सारे न्यूज़पेपर को पढ़ना, फिर उसकी न्यूज़ को उठाना, फिर आपके लिए वीडियो लेकर, बहुत बड़ा काम है। इसीलिए आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरी है। आप लोग कमेंट जरूर करें क्या आपको मौज आती है, क्या आप इस सेशन का इंतजार करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। परीक्षा रद्द करने के लिए छात्रों का मुख्य न्यायाधीश को पत्र। लिखा है कि सीबीएसई की परीक्षा रद्द करने को लेकर 297 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में छात्रों ने मुख्य न्यायाधीश से मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग की है। छात्रों ने फिजिकल परीक्षा को रद्द करने की मांग के साथ ही पिछले वर्ष की तरह वैकल्पिक मूल्यांकन योजना बनाने का निर्देश देने की भी मांग की है। छात्रों का कहना है देश में कोविड-19 के चलते पैदा हुए परिस्थितियों के चलते तमाम छात्रों ने अपने परिवार वालों को खोया है। ऐसे में इस समय में फिजिकल परीक्षा कराना न सिर्फ लाखों छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी यह परेशान होने वाली बात है। छात्रों ने लिखा कि बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित हो जाने से हजारों छात्रों के मन में अनिश्चितता का भाव आ गया है और ये उन्हें आगे नहीं बल्कि पीछे लेकर जा रहा है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि परीक्षा रद्द करने के लिए छात्रों का मुख्य न्यायाधीश को जो है पत्र लिखा गया है, और सिर्फ इसीलिए लिखा गया है कि बहुत सारे जो है अगर परीक्षा कराई जाएगी तो अभी जो सिचुएशन है वो कंट्रोल नहीं है। अगर हम आप परीक्षा करवा देते हैं तो बच्चों के साथ साथ जो शिक्षक वहां पर गार्डी करेंगे उनके लिए भी खतरे की स्थिति है। तो इस पर विचार कीजिए। और ये सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश को 297 छात्रों ने पत्र लिखकर ये कहा कि आप इसको संज्ञान में लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। और ये जो पत्र लिखा था ये सीबीएसई के छात्रों ने लिखा था, सीबीएसई के इंटरमीडिएट वाले छात्रों ने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। आपको पता होगा कल हमने पीटी के लिए एक वीडियो बनाया था शाम को, जिसमें 50,000 भर्ती का मैंने जिक्र भी किया था। 50,000 भर्ती, तो कुछ बच्चों ने नीचे कमेंट लिखा कि ये 50,000 भर्ती कहाँ है, अभी तो कुछ भी नोटिफिकेशन में दिया नहीं गया है। तो ठीक है, आपको भी पता है कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो तो मैं हर एक चीज़ क्लेरिफाई कर देता हूँ। हालांकि अगर आज न्यूज़पेपर में ना भी आता तो मैं इनकी सारी अपडेट में निकाल कर आपके लिए लेकर आता, चाहे मैं कहीं से भी सर्च करता, लेकिन आज लगभग हर एक न्यूज़पेपर में सारी जगहों पर ये चीज़ें आ गई हैं जो मैं सोच भी रहा था। लिखा हुआ है कि अधीन सेवा चयन आयोग को विभिन्न विभागों से 50,000 से अधिक रिक्त पदों के प्रस्ताव मिल चुके हैं। आयोग इन प्रस्तावों की खामियों को सुधार करने की कार्यवाही लंबे समय से करता रहा है। इसके बावजूद प्रारंभिक आयता परीक्षा पीटी विज्ञापन में स्पष्ट नहीं किया गया। हालांकि ये गलती मेरी थोड़ी ना है, मुझे तो पता ही था 50,000 वैकेंसियों के लिए ही पीटी का एग्जाम हो रहा है, क्योंकि ये पिछले एक सालों से सभी के न्यूज़पेपर में आ रहा था कि 50,000 भर्ती जो होनी है उसके लिए पीटी एग्जाम कराई जाएगी। लेकिन जब कल पीटी का जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें कहीं पर भी वैकेंसियों की जिक्र नहीं किया गया, जो कल इसीलिए मैंने कल की वीडियो में नहीं भी किया था क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामला तो गड़बड़ चल ही रहा है। उसके बाद में यहां पर ये बताया गया कि प्रस्ताव आ गया, पीटी कराने का कल से आवेदन भी शुरू हो चुका है, लेकिन जो ये 50,000 वैकेंसी की बात की जा रही है कहीं भी नोटिफिकेशन में इसका जिक्र नहीं किया गया है। अब बात करते हैं इसको थोड़ा सा और पढ़ते हैं। लिखा गया है प्रतियोगी अभ्यर्थियों का कहना है, आप यहां से पढ़िए कि राज्य लोक सेवा आयोग हो या संघ लोक सेवा आयोग, दोनों ही प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के जरिए भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहे हैं। सभी में आवेदन के समय ही भर्ती से संबंधित पद व उनकी रिक्तियों का ब्यौरा उपलब्ध कराया जाता है। इससे अभ्यर्थी को अपनी तैयारी को लेकर स्पष्टता रहती है। यहां आयोग की मंशा स्पष्ट नहीं हो रही। इस संबंध में आयोग के चेयरमैन प्रवीर कुमार का कहना है कि पीटी आयोग के दायरे में आने वाली सभी पदों के लिए है, यानी उन्होंने किसी एक भर्ती की बात नहीं किया। इन्होंने कहा है कि जो पीटी है, संभवतः सभी को पता भी होगा, पीटी जो है वो आप पेपर दोगे, जो बच्चे पेपर पास होंगे वही जो भर्ती निकलेगी विभिन्न विभागों में वहीं पर वो जाकर अपना जो है फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। और ये भी कहा गया है जो पीटी में कि ये हर साल पेपर होगा, और अगर आप एक साल पास हो जाते हो तो उसकी वैलिडिटी भी एक साल होगी। और यही बात जो है थोड़ी सी गलत भी लग रही है, इसकी वैलिडिटी को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। पेपर भले ही आप हर साल कराइए जैसे यूपीटीटी का पेपर होता है, लेकिन वैलिडिटी आप बढ़ाइए, क्योंकि हर साल बच्चा उसी पीटी की तैयारी करे और एक साल के लिए फिर वो चालान भरे, फिर पैसा दे, फिर पेपर देने जाए, तो इससे अच्छा है कि उसके टाइम पीरियड को बढ़ाना चाहिए। हालांकि ये बाद की बात है, इसको तो बच्चे देख ही लेंगे कहीं ना कहीं। और उसके बाद में फिर यहां पर लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की मशक्कत बेकार, इसको भी हम लोग देख लेते हैं।
लिखा है, आयोग ने 26 मार्च को ऐलान किया था कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली की प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, शामिल होने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। आयोग की वेबसाइट पर OTR शुरू भी कर दिया गया। करीब 5.5 लाख अभ्यर्थियों ने OTR किया और आयोग उनमें से बामुश्किल 1 लाख की ही लॉकर जनरेट कर पाया। आयोग ने PET में 30 से 35 लाख आवेदन का अनुमान लगाते हुए इस प्रारंभिक परीक्षा के लिए OTR अनिवार्यता समाप्त कर दी है। ऐसे में समस्त आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की पूरी कार्यवाही करनी होगी। फिर लिखा है, अत्यधिक आवेदन तो कई शिफ्ट में परीक्षा व नॉर्मलाइजेशन। फिर लिखा कि आयोग ने कहा कि PET के लिए आवेदन पत्रों की संख्या यदि अत्यधिक संख्या में होती है, और जो होगी नॉर्मली कोई पेपर आता है तो उसके लिए 18 लाख 19 लाख फॉर्म पड़ते हैं, लेकिन अगर ये सारे एग्जामों को कवर करता है PET, तो जाहिर सी बात है सारे क्षेत्र के बच्चे जुड़ेंगे और 35 से 40 लाख फॉर्म पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। फिर यहाँ कहा गया कि अत्यधिक आवेदन अगर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आयोग ने कहा कि PET के लिए आवेदन पत्रों की संख्या यदि अत्यधिक संख्या में होती है तो लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में कराई जा सकती है। एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षा होने पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। PET की तिथि आयोग की बाद में जारी करेगा। हालांकि अभी जो इसका एग्जाम डेट है वो जारी नहीं किया गया है, आयोग उसके लिए बाद में जारी करेगा। हाँ, लेकिन जो आवेदन है वो शुरू हो चुका है, इसलिए सारे बच्चे जाएं आवेदन अपना करवा सकते हैं। फिर लिखा है कि मुख्य परीक्षा के लिए प्री का स्कोर बनेगा आधार, यानी कि इसका जो नंबर होगा वो साथ प्री के नंबर को भी जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पास करने के लिए, आपको प्री में भी अच्छा खासा नंबर लाना होगा। लिखा, अधीन सेवा चयन आयोग के दायरे में ग्रेड पे 1900 या इससे अधिक तथा ग्रेड पे 4600 से कम की सीधी भर्ती के समस्त पद आते हैं। आयोग प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक या स्कोर अभ्यर्थी को बता देगा। मुख्य परीक्षा के आयोजन के लिए इसी स्कोर को आधार बनाया जाएगा। आयोग को यदि हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता वाले पदों का भर्ती प्रस्ताव मिलेगा तो वह उसके लिए अलग से परीक्षा, कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा आयोजित करेगा। इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई होंगी। 50,000 भर्ती का मामला क्या, ये भी आपको पता लग गया होगा। कुछ बच्चे, एक से दो बच्चे कल कमेंट भी किए थे वीडियो में कि सर 50,000 भर्ती आपने थंबनेल में तो लगाया लेकिन वीडियो में आपने कहीं नहीं बताया और ना ही कहीं पर दिखाया आपने। कोई बात नहीं, मैंने आज दिखा दिया, क्या दिक्कत है। चलिए, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा पढ़ लीजिएगा। अगली न्यूज आती है, बिल्कुल वही न्यूज है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। समूह गा की भर्ती की बात है कि, चलिए तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आवेदन है वो 25 मई से शुरू हो चुका है और 21 जून इसका लास्ट डेट है। और अगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं PET का काम क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे PET का एग्जाम देंगे उन्हीं को ही मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। यहां पर आप पढ़ सकते हो कि 21 जून तक आवेदन, इसमें शामिल अभ्यर्थी ही दे सकेंगे मुख्य परीक्षा। यानी अगर आप इस परीक्षा को पास नहीं करेंगे या आप शामिल नहीं होते हैं तो आप अगली परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे, फिर वो भर्ती आपके लिए खत्म हो जाएगी। इसीलिए जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी इस परीक्षा की तैयारी करें। अगली न्यूज जो आई है वो है मेरठ से आई है ये न्यूज। हालांकि मेरठ से क्या, पूरे यूपी के लिए न्यूज है कि हाई स्कूल के बाद यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के विद्यार्थी में भी प्री बोर्ड के अंक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उनकी 11वीं छमाही और सालाना के अंक भी अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए 28 मई अंतिम तारीख तय की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक गिरजेश चौधरी ने सोमवार को जिले के सभी कॉलेजों को 28 मई तक 11वीं की गृह परीक्षा छमाही वार्षिक परिणाम अपलोड करने के निर्देश दिए हैं और इन्होंने साइट भी दे दिया है upmsp.edu.in। इस पर जो है 28 मई तक सभी लोग अपना जो है इंटरमीडिएट का भी, प्री बोर्ड, छमाही, इन सभी का जो रिजल्ट है वो अपलोड कर सकेंगे। क्योंकि ये जो डाटा मंगा रही सरकार वो ये देख रही है, अगर परीक्षा कराने लायक होगी तो परीक्षा कराएंगे, अगर उनको इन्हीं के आधार पर प्रमोट करना होगा तो वो इसी के आधार पर प्रमोट भी कर देंगे। तो ये रही यूपी बोर्ड से संबंधित न्यूज। उसके बाद CBSE से संबंधित न्यूज आ जाती है कि छात्रों का टीकाकरण संभव नहीं तो रद्द हो 12वीं बोर्ड की परीक्षा। लिखा गया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए वैक्सीन लगाने या परीक्षा रद्द करने का सुझाव केंद्र सरकार को भेजा है। सिसोदिया ने मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र के माध्यम से सुझाव भेजे। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि बच्चों को वैक्सीन लगाना संभव ना हो तो 12वीं के बच्चों का मूल्यांकन उनके शैक्षिक प्रदर्शन के आधार पर किया जाए। कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया जी की बात से मैं तो सहमत हूँ कि अगर आप बच्चों को वैक्सीन नहीं दे रहे हो तो जान पर खेलकर पेपर लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वैक्सीन अगर आप लगवा सकते हो टाइम से तो वैक्सीन लगवा लीजिए, उसके जस्ट बाद आप पेपर ले सकते हो, नहीं तो फिर जो उनका मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन जिस प्रकार से है आप उसी हिसाब से आप कर सकते हो। ये मनीष सिसोदिया जी ने जो केंद्र सरकार को अपनी राय भेजी है। अगली जो न्यूज है वो है डेलेड को लेकर, और डेलेड में लिखा गया दाखिले के 22 महीने के बाद भी रिजल्ट का पता नहीं। सबसे ज़्यादा जो ग्रसित बच्चे हैं वो हैं 2019 बैच के बच्चे। इनके बारे में अगर हम बात करें तो लिखा 6 अगस्त 2019 को दाखिला लेने के 22 महीने के बाद भी डेलेड के 1.72 लाख प्रशिक्षुओं के प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट का पता नहीं है।
कोरोना की पहली लहर में लिखित परीक्षा नहीं होने के कारण शासन ने इन प्रशिक्षुओं को पहले से दूसरे सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया था। जैसा सभी को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है डेलेड वाले वो प्रमोट होकर सेकेंड सेमेस्टर में गए थे, उसके बाद नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इनकी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा ली। 28 जनवरी 2021 को परिणाम घोषित किया गया। डेलेड 2019 बैच द्वितीय सेमेस्टर में पंजीकृत 172,738 प्रशिक्षुओं में से 169,812 सम्मिलित हुए और उनमें से 71,668 फेल हो गए। उसके बाद लगभग 45,000 प्रशिक्षुओं ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया, जिसका परिणाम अब तक घोषित नहीं हो सका है। इस बीच परीक्षा नियामक की ओर से बैक पेपर और सेमेस्टर बैक के प्रशिक्षुओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार हाल ही में शासन ने इसे विभागीय मसला मानते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। यानी ये आप जान लीजिए कि जिन बच्चों के बैक आ गया था या जिन बच्चों ने स्क्रूटनी भरा था, उन बच्चों का 22 महीना हो गया है, अभी उनका एक भी पेपर का रिजल्ट नहीं आया है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वो प्रमोट हुए थे, सेकेंड सेमेस्टर उन्होंने पेपर दिया लेकिन उन्होंने स्क्रूटनी या बैक भरा और उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए अभी 22 महीने में उन लोगों का कोई भी पेपर नहीं हुआ। यहाँ पर लिखा गया है, एक छोटा सा एडिटोरियल साइड में है, कि हमारा तृतीय सेमेस्टर 6 फरवरी को ही पूरा हो चुका है और 3 महीने से अधिक बीतने के बावजूद परीक्षा नहीं कराई जा सकी है। डेलेड 2019 तृतीय सेमेस्टर को प्रोन्नत करने के लिए 23 मई को ट्विटर कैंपेन चलाया गया था। डेलेड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा 27 मई को फिर अभियान चलाएगा। तो ये तो हो गई डेलेड वालों बात। बाकी रही बात बीएड वाले बच्चों की, क्योंकि बीएड वाले बच्चे घबरा जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, अभी बीएड को थोड़ा इंतजार करना होगा। डेलेड अभी थोड़ा सा आपको 10 से 15 दिन 20 दिन आपको इंतजार करना होगा। तो क्यों इंतजार करना है, सुनिए आप बात पहले। एक तो इंतजार करना है आपको, जो कमेटी ने रिपोर्ट भेजी है शासन के पास, उसकी मंजूरी क्या होती है वो डिसाइड करेगा बहुत सारी चीज़ें। और दूसरा, जो इंटरमीडिएट परीक्षा की बातें चल रही हैं, ये भी डिसाइड करेगा कि बीएड के बच्चे प्रमोट होते हैं या नहीं प्रमोट होते हैं। बाकी जैसी भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से पता लग जाएगी। तो अगर ये सारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और चैनल पर अगर आप नए हो तो इस चैनल को भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।